Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। चारू बेटा, बात बस इतनी सी थी कि तुम्हें क्या पता किस घर में कहाँ क्या रखना है। अभी तुम बिल्कुल नई आई हो ना, हमने सोचा कि तुम्हारा सामान और तुम्हारी सारी चीजें हम ठीक जगह पर रख दे। हमें क्या जरूरत है इस चाबी की, हमें क्या मतलब है तुम्हारे सामान से, है ना बेटा? हाँ हाँ, आप दोनों के मतलब हम खूब पहचानते हैं, आदरणीय सासू माँ और संगीता दीदी। अरे देखिए ना, इतना सुंदर काम है, देखिए देखिए, अच्छी है ना बहुत। और ये खूबसूरत साड़ी है संगीता चाची के। अरे ढीले हाथ से मत पकड़िए, बहुत ही महंगी साड़ी है, ड्राई क्लीनर के पास गई ना तो वापस नहीं आएगी। और ये कंगन सासू माँ के लिए। मम्मी भी ना पता नहीं क्यों दिखाना चाहती कितने महंगे कंगन है। अच्छा, अरे देखिए ना कितने सुंदर है ना, ये असली है क्या? नहीं, पीतल के हैं। आपको क्या लगता है कि हमारी मम्मी नकली कंगन देगी? याद नहीं, शादी पे विलायती गाड़ी दी थी तो सोने के कंगन क्या चीज है उनके लिए? हाय गुंजन। हाय सर। क्या वो सब ठीक है? हाँ वो। कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं इट्स ओके, बस अभी ठीक हो जाएगा। नहीं दीदी, गाड़ी खराब हो चुकी है, आपको दूसरा रिक्शा कर लीजिए। आओ। नहीं इट्स ऑल राइट सर, मैं दूसरा ऑटो ले लूंगी। कम ऑन गुंजन, तुम्हारा घर मेरे रास्ते में पड़ता है और वैसे भी तुम्हारे पैर में स्ट्रेन है ना? कम। पता है गुंजन, पूरा कॉलेज तुम्हारे डांस की तारीफ कर रहा था। इट वॉज ऑसम। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा डांस करती हो, लेकिन व्हाट आई कुड सी वाज कि तुम्हारी आंखों में कितना दर्द था, कितनी बेचैनी थी। जैसा हम जिंदगी में चाहते हैं हमेशा उस रास्ते पे उसी स्पीड से नहीं चलती, तो क्या जीना छोड़ दे? नहीं, उसी जीवन को एक नया अंदाज और एक नया मीनिंग देना बहुत जरूरी हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सर, आपने ऐसा क्यों कहा कि जैसा हम चाहते हैं जिंदगी हमेशा उसी राह उसी स्पीड से नहीं चलती है? आप जानती हैं, हमारे मयंक के पीछे तो लड़कियां दीवानी हुई फिरती थी, लेकिन हमने बहुत सोच विचार करके अपने लिए बहू चुनी है। क्यों दीदी, सच कह रहे हैं ना? हाँ। अरे गुंजन, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो, अपना गिफ्ट तो ले लो। हमारी अब मयंक जी की शादी का एक छोटा सा तोहफा। थैंक्स, बट मुझे नहीं चाहिए। क्यों भाई, तुम्हें खुशी नहीं हुई हमारी शादी से या फिर कोई और बात है? चलो गिफ्ट मत लो, कम से कम हमारे साथ आके तो बैठो। आओ। थैंक्स, आई एम रियली सॉरी बट मेरा सर दुख रहा है। दो मिनट में क्या हो जाएगा गुंजन, आओ। चलो प्लीज, अभी नहीं। हमने कहा ना यहाँ रुको और चुपचाप आके बैठो। आज से हम इस घर की बहू हैं और तुम एक मेहमान। शायद तुम्हें गलत पहनी हुई है, गुंजन इस घर की मेहमान नहीं, हमारी बेटी है। हम पीहू, रचना और गुंजन तीनों को एक ही मानते हैं।
दोबारा ऐसी बात करने से पहले इस बात को याद रखना। चारू बेटा देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए। अरे देखो तो सही, तुम्हारी शादी का एल्बम है, अभी अभी फोटोग्राफर देकर गया है। देखो ना इतनी सुंदर लग रही हो तुम, हमारी तो नजर ही नहीं हटी। देखो अब मोहल्ले की सभी औरतों को बुलाकर ना हम बड़ी शान से तुम्हारी फोटो दिखाएंगे और कहेंगे है ना हमारी बहू बहुत खूबसूरत। सुमा आपसे एक बात कहें। हाँ हाँ बेटा बोलो ना। आप ना इधर उधर की बातों में बहुत ज्यादा लग जाती हैं। सासू माँ हमारा मतलब तो आपने क्यों तकलीफ की एल्बम लाने की, हमें कह देती। आखिर बहू किस लिए होती है। हाँ बेटा हाँ, हम ले आए तो क्या हुआ, हमें पता था कि तुम तैयार हो रही हो। और हाँ कल ना तुम्हारे मम्मी पापा आने वाले हैं पग फेरे की रस्म करवाने के लिए। हाँ मम्मी पापा से याद आया कि आप कल खाने में क्या बनाने वाली है। पता है उन्हें चाइनीज बहुत पसंद है, हक्का नूडल्स, चाव चाव फ्राइड राइस, चिली पनीर, मंचूरियन, वेज क्रिस्पी, ये सब उन्हें बहुत पसंद है। प्लीज ये सब बना दीजिएगा। हाँ बेटा हम तो हरे मटर लेकर आ गए, हमने सोचा था कि आलू मटर की सब्जी, पूरी, रायता और हाँ मीठे में जलेबी बना देंगे। व्हाट, हमारे मम्मी पापा ये देसी खाना नहीं खाते। हमने आपसे कहा ना उन्हें चाइनीज ज्यादा पसंद है। चलिए अगर आप नहीं बना पाएंगे तो प्लीज बाहर से ऑर्डर कर दीजिएगा। रहने दो हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी नाराजगी बेचारी कमर क्यों सहे। आप बेशक गुस्से में सुलगते रहिए लेकिन हमें अपना काम भी तो करने दीजिए। देख लेना गर्म पानी से बहुत फर्क पड़ेगा और फिर जीजी वाली तेल है ना वो भी मल देंगे, सुबह तक बहुत फर्क पड़ेगा। आइए आराम से। आराम मिल रहा है। वैसे नाराजगी में भी आप अच्छे लगते हैं। आपके लिए अदरक वाली चाय लेकर आए हम अभी। ये टोरी है या आफत, कब से लगे हुए हम। मयन जी प्लीज है बस एक नॉट बांध दीजिए, इसके बाद हम मैनेज कर लेंगे। ऐसी भी क्या नाराजगी मयन जी, बस एक नॉट बांध दीजिए उसके बाद हम मैनेज कर लेंगे प्लीज मयन जी। क्या हुआ शॉक लगा, हम आपकी पत्नी हैं, अगर हमने आपका हाथ पकड़ा तो इसमें इतनी हैरानी क्यों। हमारा हक बनता है आपका हाथ पकड़ना और आपका हर एक सच जानना। नहीं चारू हमारी शादी ऐसी नहीं है क्योंकि इसकी शुरुआत झूठ से हुई है। लेकिन मयंक जी, चारू जितनी गलती माँ और चाची की है उतनी ही तुम भी गुनहगार हो। I can never accept you चारू, मुझे माफ करना लेकिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी कभी नहीं मान सकता। अगर ये बात है तो एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, एक पत्नी अपना हक पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अभी तक आपने एक औरत का प्यार देखा है उसका गुस्सा नहीं। और अगर हमें हमारा हक नहीं मिला तो हम आपको क्या, आपके पूरे परिवार को दिखा देंगे कि चारू का गुस्सा क्या है। अच्छा तो अब तुम धमकी देने पर उतर आई हो, जो तुमने घटिया हरकत की है ना उसकी यही सजा है। कहने को तो तुम मेरी पत्नी हो लेकिन उसका सुख तुम्हें कभी नहीं मिलेगा।
Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।